हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस, दरिया नीलम के बाद हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, इस वक्त हम स्टे के लिए रुके हैं यहाँ पे। मुजफ्फराबाद जो है वो हमने क्रॉस कर लिया, वहाँ से आगे अब हम जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। तभी हम रास्ते में रुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सीन, ये चेक करें। यहाँ सामने जो है वो नीचे दरिया है, वो भी मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है ना वाटरफॉल है, ये भी दिखाता हूँ, ये चेक करें कहाँ से निकल गया। कितने नज़ारे देखे लेकिन ऐसा नज़ारा ना दिखा, किसी को नहीं पता इतना शफाफ पानी कहाँ से आता। क्या बात है जी, क्या बात है। ये मेरा दोस्त है, इसने PhD करके दोबारा से जो है ना 7th क्लास पास। Two hours later. तो गाइज, हम खाना खाने के लिए रुके थे और देर इतनी ज्यादा होगी कि रात होगी, तो हमने ना यहाँ पे अब स्टे करने का प्लान किया। आपको मैं होटल दिखाता हूँ बाइक से। तो गाइस, आप इस वक्त आसमान को देखेंगे, कितने ज़्यादा तारे हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तारे नहीं हैं, पहाड़ पे जो गिर रहे हैं उनकी लाइटें हैं। चेक करें कितनी हैवी लग रही है, ऐसा ही लग रहा है जैसे सितारे हैं लेकिन ये घरों की लाइटें हैं। आप कमरे चेक करें हमारे, बिल्कुल हैवी हो गया कमरे। शुक्र है लाइट मिली है थोड़ी सी, वाईफाई भी लगा हुआ है, मज़ा आएगा। अभी जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड होएगा, ये सही है। बड़ी देर बाद दूसरा रूम ये है हमारा, सही है। पहला रूम कौन सा है? पहला इसके साथ वाला, दूसरा ही है, सही है ये। ठीक है, अभी मजा आ रहा है, आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह देखते हैं कि हमने किधर जाना, अभी नहीं पता किधर जाना। The next day. Good morning. तो आज हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और आपको सबसे पहले मैं अपना सामने का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, चेक करो भाई। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, पीछे जो है वो सामान पड़ा, अब हम ये रखने लगे हैं। तो इस वक्त जो है वो हम पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन इसके बाद जो है वो हमने LOC जाना है, LOC जाना है। LOC इसके बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल जाना है, और फिर उसके बाद हमने नीलम वैली जाना है, फिर उसके आगे हमने किधर जाना है, केल खेल आम, क्या वर्ड है, आम खेल जो भी है, फिर उसके बाद खेल बनी अंबानी कहाँ से आ गया, आम खेल है, आम खेल, खेल नाम याद खेल, आम खेल, आम खेल, हाँ, आम खेल जो भी है, हमने फिर वहाँ पे जाना, वो आपको हम देख के ही बताएंगे। इसके बाद जो है वो हम आम खेल जाएंगे, आगे फिर आप खुद ही देख लेना, ठीक है। आरा खेल जाएंगे। तो गाइस, ये हमारा होटल है और ये जो है इसका फ्रंट व्यू है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, ठीक है, बाय बाय। भाई साहब, मैं जाने के चक्कर में था, मैं भूल ही गया मेरे पैसे ऊपर रह गए, मैं ऊपर पैसे छोड़ गया हूँ अपने। ओह माय गॉड, ओह ओह भाई, 6000 रुपये ये मैं भूल गया था, आराम से जाके गाड़ी पे बैठ गया था, मैं ऐनक भी भूल गया था, वो तो मुझे ऐनक से याद आया कि मेरे पैसे भी रह गए। तो गाइस, फाइनली हम लोग जो है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है ये पाकिस्तान के झंडे हैं
और ये देखें, ये जो है वो इंडिया का, मतलब मेरे बिल्कुल सामने जो है वो इंडिया है, आमने सामने, मतलब मैं शाहरुख खान के घर के थोड़ा सा करीब पहुंच गया हूँ। अभी हम ऊपर चलते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ ऊपर का। ये देखें पहले, नीचे देखें, ये नीचे दरिया जा रहा है जी, सामने इंडिया आ गया। जाना इंडिया? नहीं, कोई मजा नहीं। मजा आ रहा है वैसे? हो गया तो मैं इधर फाइटिंग भी कर दूंगा। गोलियां मार देनी है? हाँ, फाइटिंग करेंगे। तो गाइस फाइनली हम 4 घंटे बाद किसी जगह पे पहुंचे हैं, बड़ा थक गए हैं और ऊपर से भूख भी बड़ी लगी है। बड़ी मुश्किल से कोई होटल मिला, पहले खाना खाते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ना एक ही जगह आई जा रही है, पहाड़ आई जा रहे हैं, बस आई जा रहे हैं, नीचे दरिया वो आई जा रहा है, बस यही हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, और मैं बोर हो गया हूँ। आप पहले खाना खाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइस खाना खा के जो है वो हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हम दोबारा जाने लगे हैं। तकरीबन ये मुजफ्फराबाद से जो है 135 किलोमीटर आगे का सफ़र है। तो अभी जो हम जिस जगह पे आए ना, ये किरण और शारदा के दरमियान वाली जगह है, ये शादरानिया लाहौर वाला शारदा जगह है, किरण और शारदा के दरमियान वाली जगह पे हैं। और अब हमने शारदा के आगे केल एक जगह है, वहाँ पे हमने जाना, वो हमारा जो है वो एंड पॉइंट होगा, उसके बाद फिर हम वापस घर जाएंगे। तो सिर्फ किरण नहीं, मैं कह रहा हूँ केल तक जाके हमने फिर वापस आना, और तकरीबन सिर्फ 35 किलोमीटर का सफ़र रह गया और फिर हम उसके बाद वापस घर जाएंगे। तकरीबन हम शाम तक जो है वो हम पहुँच जाएंगे केल तक। गाइस हमारी जो आखिरी डेस्टिनेशन थी ना केल, वहाँ तक हम पहुँच गए। और मैं कहता हूँ इतना गंदा रास्ता, इतना डेंजरस रास्ता, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, वो आज तक मैंने इतना जिक्र नहीं किया जितना मैंने सारे रास्ते में किया है। आधा घंटा मुसलसल अल्लाह का नाम लिया मैंने, भाई तौबा है मेरी, आइंदा से मैंने इधर कश्मीर नहीं आना। रास्ता लगा है बहुत कच्चा और मौत का रास्ता। आइंदा से आओगे यहाँ पे? आऊँगा, लेकिन अगली बार पूरी तैयारी से आऊँगा।